हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC एंड बैंक्स में। और दोस्तों, हम आपके साथ फिर से एक कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए शेयर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट, जी बिल्कुल, अगर ऑल इंडिया जॉब्स के लिए आप हमारी वेबसाइट totallyindiajob.com भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो वीडियो है आज का, वह है हमारा अटल पेंशन योजना अकाउंट क्लोजर के लिए। कुछ लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अटल पेंशन योजना लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें क्या लगता है कि ये उनके लिए एक बोझ की तरह बन गई है। तो आप किस तरह से उस अटल पेंशन योजना को आप बंद कर सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। क्या फॉर्म होगा आपको, क्या कुछ आपको इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है आपके लिए, बिल्कुल आसान सा काम है। आपको क्या करना है, जो हम फॉर्म बताएंगे आपको ब्रांच में, अपनी ब्रांच में जमा कराना है। तो आपकी जो अटल पेंशन योजना क्या कर दी जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अटल पेंशन योजना अकाउंट क्लोजर फॉर्म। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, टू द ब्रांच मैनेजर, तो ये आपको लिखना है ब्रांच मैनेजर, जहाँ भी आप, जिस ब्रांच में जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रान नंबर जो आपका होता है, परमानेंट और रिटायर्ड अकाउंट नंबर जो आपको मिलेगा जब आप स्टार्टिंग में फॉर्म वगैरह फिल करोगे, वहाँ से आपका क्रिएट होगा तो वो आपको मिलेगा। अच्छा जी, होल्डर मतलब जो अकाउंट क्लोज करवाया उसका नाम, ठीक है, जिसका अकाउंट है। सेविंग अकाउंट और फॉर क्रेडिट, कि जी आपकी अटल पेंशन योजना की जितनी आपने जो किस्तें भरी हैं, जितने पैसे आपने भराए, तो वो किस अकाउंट में जाएंगे, वो आपके इस सेविंग अकाउंट में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना वो सेविंग अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका रहेगा रीजन ऑफ क्लोजर, कि जी आप किस वजह से इसको आप क्लोज करना चाहते हैं। तो आप इस पे आप अपना रीजन दे सकते हो, नॉट एबल टू पे कंट्रीब्यूशंस, कि आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं तो ये टिक कर दीजिए। फंड अर्जेंटली, कि आपको पैसे चाहिए अर्जेंट, तो आप ये टिक कर सकते हो। या फिर कोई अदर रीजन है तो आप इस अदर ऑप्शन को टिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं आपका वो क्या रीजन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, अगर आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आएगा नीचे जो आएगा, ये आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपका सारा का सारा बैंक आपको फिल करके, बैंक अपने आप आपका फिल करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म, जो आप अटल पेंशन योजना अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप आसानी से इसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप, अगर आपके घर में कोई फिजिक्स, जी बिल्कुल, फिजिक्स पढ़ता है, तो +1 2 फिजिक्स में अगर वो इंटरेस्टेड है, फिजिक्स के क्लासेस चाहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स बुरा फिजिक्स वर्ल्ड, जी बिल्कुल, बुरा फिजिक्स वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फिजिक्स के +1 और 2 के आपको वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।